अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुबैर अहमद। बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अपने सारे स्टडी कंप्लीट करने के बाद यूपी से मैं मुंबई आया था जॉब के लिए। 1.5-2 साल मैंने जॉब किया मुंबई में। उसके बाद मैं ट्राई कर रहा था आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, सऊदी दुबई ऐसे। तभी मेरे दोस्त के थ्रू मुझे मालूम पड़ा ज़ारा इंटरनेशनल के बारे में, जो कि कंसल्टेंसी है। तो मैं वहाँ जा कर के अप्लाई किया जॉब के लिए। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी अफजल शेख से, जो कि बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने अपने एजुकेशन के बारे में बताया था, अपने जॉब प्रीवियस जॉब के बारे में बताया था, जो भी मैंने जॉब किए थे एक्सपीरियंस के बारे में मैंने उनको बताया, और किस फील्ड में मैं किस तरह की जॉब मुझे चाहिए थी मैंने उनको सारी बातें बताई थी। उसके बाद उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 1-1.5 महीने के अंदर मुझे कुछ जॉब रिकमेंड की थी। उसमें मैंने एक जॉब सेलेक्ट किया था जहाँ पर मैं इस समय हूँ। अप्रॉक्सीमेट 1.5 साल से मैं सऊदी में हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था इस जॉब के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से मैं इस जॉब में हूँ, जॉब को कर रहा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ज़ारा इंटरनेशनल को, थैंक यू बोलना चाहूँगा अफजल शेख भाई को, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था। क्योंकि एक डर होता है आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, एक अंदर डर भी होता है कि जाने के बाद में वहाँ पर कैसा क्या माहौल रहेगा, कैसी जॉब रहेगी। क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी कि बोलते कुछ और है वहाँ पर, जॉब कुछ और ही मिलती है जाने के बाद में, और 1-2 महीने की बात होती नहीं है, 2-2 साल की बात होती है, बंदा फंस जाता है जाकर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से मैं मन में डर था भी था थोड़ा सा, बट भाई बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया था। 75% चीज़ें तो उन्होंने मुझे इंडिया में ही बता दी थी, बाकी चीज़ें आने के बाद मुझे मालूम पड़ी। तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपनी जॉब से। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी रहती है मेरी, 6 दिन जॉब रहती है मेरी, ड्यूटी रहती है। आज मेरी छुट्टी थी, इस वजह से मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल देता हूँ छोटा सा अपनी जॉब के रिगार्डिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। जैसे कि आपको सभी को पता है कोरोना का टाइम चल रहा है यहाँ पे, और पूरी कंट्री में, हर एक कंट्री का बहुत बुरा हाल है इस समय। इंडिया का भी बहुत बुरा हाल है। सारी कंपनियाँ बंद हो चुकी हैं, सारी कंपनियाँ डाउन हो चुकी हैं, सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमिक सिस्टम का बैंड बजा हुआ है। तो यहाँ पर भी कुछ कंपनियाँ ऐसी थी जो अपने एम्प्लॉई को हाफ सैलरी दे रही थी कोरोना टाइम पर, या फिर 1-2 महीने की सैलरी स्टॉप कर दी गई, दी नहीं गई है। प्रॉब्लम्स चल रही थी हर जगह पर, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी सैलरी टाइम टू टाइम आ जाती है, एवरी मंथ आ जाती है। मेरी सैलरी कम भी नहीं हुई है, जितनी सैलरी थी टोटल पूरी सैलरी आती है मेरे अकाउंट में। कोरोना टाइम में मेरी जॉब के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। मेरी कंपनी सैनिटाइज़र प्रोवाइड करती थी, मास्क प्रोवाइड करती थी, हाथ में ग्लव्स लगाने के लिए ग्लव्स प्रोवाइड करती थी, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है मेरी कंपनी हम लोगों को, सब कुछ माशाल्लाह। कंपनी मेरी बहुत अच्छी है, इस वजह से मैं बार बार थैंक यू बोलना चाहूँगा ज़ारा इंटरनेशनल को, थैंक यू बोलना चाहूँगा अफजल शेख भाई को। बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। होता नहीं क्या कि इंसान फर्स्ट टाइम जाता है आउट ऑफ कंट्री, तो उसके मन में डर सा रहता है, और वो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। क्योंकि हर इंसान के मन में जुनून होता है कि मैं बाहर जाके कमाऊँ, अच्छा पैसा कमाऊँ, लाखों रुपये सेविंग करूँ अकाउंट में। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाता है ना, या किसी फ्रॉड कंसल्टेंसी या किसी फ्रॉड बंदे से अगर उसकी मुलाकात हो जाती है, तो सही से अगर चीज़ें नहीं हो पाती है, तो मन में डर सा बैठ जाता है। फिर बंदा दोबारा ट्राई करने के बारे में सोचता नहीं है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ। तो इस वजह से मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई भी ट्राई करे, तो एक बार उसका बैकग्राउंड चेक कर ले कि वो कंसल्टेंसी बंदों को भेजी है कि नहीं भेजी है, सिर्फ ऐसे ही अगर बंदे गए हैं तो कितने बंदे सेटिस्फाइड है जॉब से, कितने साल से कंपनी वर्क कर रही है, जो बंदा बोल रहा है भेजने के लिए वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। क्योंकि होता नहीं कि आप बहुत सारे पैसे लेके बैठ जाते हैं, गया हुए जाते हैं, फिर जॉब का पता रहता है, कुछ भी पता नहीं रहता। इस वजह से जो मैं भी बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में भी थी पहले, क्योंकि मैं भी फ्रेशर था, मुझे भी पता नहीं था आउट ऑफ कंट्री के बारे में। तो माशाल्लाह ज़ारा इंटरनेशनल के थ्रू मैंने अप्लाई किया हूँ, मैंने अप्लाई किया है, और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपनी जॉब से। थैंक यू बोलना चाहूँगा बार बार मैं ज़ारा इंटरनेशनल को और अफजल शेख भाई को। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने अप्लाई नहीं किया होता जॉब ज़ारा इंटरनेशनल से, तो मेरी मुलाकात अगर अफजल शेख भाई से ना हुई होती, तो इस टाइम पे मैं सोचा करता हूँ कभी कभी कि कोरोना टाइम पे जब सारी कंपनियाँ बंद हो गई हैं इंडिया में, मेरा हाल क्या होता है। बहुत बुरा हाल हो जाता है मेरा, जैसा सभी का हुआ है यार। पैसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कोरोना के टाइम पर, बट माशाल्लाह ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपनी जॉब से। मैं एक बार तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा कमरा कैसा है और कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है बंदों को जो बुलाती है। मैं बताता हूँ, लिटरली मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कहता है।
कि मेरी कंपनी जो जो प्रोवाइड कर दी है ना हम लोगों को प्रोवाइड किया, हम जैसे एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए हैं, जो कि मैं एक ना ही मैं सुपरवाइज़र हूँ, ना ही मैं ऑपरेटर हूँ, ना ही मैं मैनेजर हूँ। बहुत बड़ा रोल नहीं है मेरा मेरी कंपनी में। मैं बेसिकली एक मर्चेंडाइज़र हूँ, एज अ मर्चेंडाइज़र जॉब करता हूँ एक मार्केट में। मेरा काम होता है जो भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लगाना और उसके सामने प्राइस लगाना। अगर प्रोडक्ट एक्सपायरी होने वाला है तो उसे 1 डेढ़ 2 महीने पहले निकाल के बाहर करना, बस ये काम हमारा रहता है। प्रोडक्ट को लगाना, प्राइस लगाना, एक्सपायरी माल को बाहर करना, ये इतना काम मेरा रहता है। मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं जहाँ पर रहता हूँ रहने की सुविधा कैसी कंपनी ने दी है। हाँ, अकोमोडेशन जिसको बोलते हैं वो कैसा है। चलो, ये मेरा रूम है, मैं तुमको एक बार रूम घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरा रूम है, ये ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एसी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिज दी हुई है, फ्रिज, ये देखो फ्रिज दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। बेड स्पेस, पूरा बेड मिलेगा। ऐसे वाला नहीं है कि हाई वन बाई वन एक के ऊपर है, ऐसा नहीं। एक सिंगल है, पूरा बेड तुम्हारा रहेगा। एक रूम में 2 बंदे रहते हैं, 3 बंदे, रूम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि एक बंदे रहेंगे रूम में, कि 2 बंदे रहेंगे, 3 बंदे रहेंगे। अभी कोरोना टाइम में तो एक एक दो दो बंदे घर दिए गए थे रूम में। ये मेरा रूम है, ये देखो, जैसे मैं रूम खोलता हूँ मेरे सामने एक लड़के का रूम है, ये देखो उसका, ये उसका रूम है, ठीक है। अब ये रूम खोल के मैं अपने बाहर आया, देखो यहाँ यहाँ पे देखो, ये देखो, ये वाशरूम है, वाशरूम है, ये देखो, ये देखो शावर लगा, ये वाशरूम ही है, ये बेसिन है। इधर आ जाती है, हॉल है हम लोगों को बैठने के लिए, गप्पे शप्पे मारने के लिए हॉल दिया हुआ है, पूरा हॉल है। लिटरली बता रहा हूँ कि लोगों के घर में होते हैं इतने अच्छे, इतना अच्छा हम लोगों को रहने के लिए दिया है। ये देखो, ये किचन है, किचन दिया हुआ है, किचन, एक गैस के लिए, ये बर्तन होने के लिए, साफ करने के लिए, सॉरी। तो ये सब है, बहुत अच्छा है लोगों का माशाल्लाह। इस वजह से मैं बार बार थैंक यू बोलना चाहूँगा जुबेर भाई का। जुबेर भाई ने बहुत अच्छी जॉब दिलाई है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। पहले मैं सोच रहा था स्टार्टिंग में कि कितनी जल्दी मेरा 2 साल पूरा, मैं भाग जाऊँ यहाँ से, बट अभी मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। सोचता हूँ कब जाके करूँ मैं, क्या महीने की सैलरी जो आ रही है वो बंद हो जाएगी ना। इतनी सैलरी अच्छी मिलती है तो सोचना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर दिस। और क्या बोलूँ, और कुछ बोलने के लिए आई डोंट थिंक, कि मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ उस जॉब को लेकर के मैं। थैंक यू जुबेर भाई, थैंक यू ज़ारा इंटरनेशनल, थैंक यू सो मच।